In this video, I discuss the blood vessels of Hadmenia. Hadmenia has well-developed blood vessels. बेटी जिहड़ियां लार्ज वैसल्स ने दे आर लाइनिंग विद एंडोथीलियम वेयर एज द स्मॉलर वैसल्स ने जिहड़ियां मीयरली स्पेस इन अ कनैक्टिव टिश्यू. देयर आर मोर फोर मेन टाइप्स ऑफ वैसल्स: वेंट्रल रोटा, डोरसल रोटा, ब्रैंकियल विसरल वैसल ते कार्डियो विसरल वैसल. बेटा जिहड़े ये मैं डिफरेंट कलर यूज किए ने वेंट्रल रोटा नू ऑरेंज एंड सैकेंडली डोरसल रोटा नू ब्लू. सो इस तरह के जिहड़े है कलर जिहड़े है आपां मैं डायग्राम भी यूज करने ताकि तुहानू ईजली डिफरेंशिएट हो जाए कि ये सारिया वेंट्रल रोटा दे पार्ट्स ने. नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट विद वेंट्रल अरोटा. सो वेंट्रल रोटा हुण तुसीं डायग्राम नू बेटा ध्यान नाल देखो एंड डायग्राम जो आप ध्यान ना देखते हाँ तो आप देख रहे हैं कि हर्ट सेंटर च प्लेस्ड है एंड हर्ट दे आप पहला कर चुके हैं कि हर्ट दे साइड दे उत्ते जड़ा है दे हैविंग अ टेपर ऑर्गन. ठीक है एंड दोनों साइड से टेपर है ये एक पीयर शेप पल्सेटिंग ऑर्गन है जड़ा कि कंट्रैक्शन वाइज लैफ्ट टू राइट एंड राइट टू लैफ्ट या डोरसल टू वेंट्रल एंड वेंट्रल टू डोरसल मूव करता है. हुण हर्ट दे एस एंड तो देर इज अ वन वैसल अराइज एंड दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल अरोटा. इनू आप कहने वेंट्रल अरोटा. सो नाउ फ्रॉम द वेंट्रल अरोटा जिमें ही वो हर्ट तो निकलता इट इज़ डिविजिबल इन टू टू पार्ट्स. जिहड़ा उपर नूं जा रहा इट इज़ कॉल्ड एंटीरियर लिंब ऑफ वेंट्रल अरोटा. जिहड़ा हेठां नूं जा रहा इट इज़ कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लिंब ऑफ वेंट्रल अरोटा एंड फ्रॉम दैट यूनियन जिथों है दोनों की उन्होंने तो एक थर्ड निकल रहा विच इज़ कॉल्ड एज अ वेंट्रल टेस्ट वैसल. इसनों के मैं रेड नाल लेबल किया है जिहड़ी कि टेस्ट जानी है एंड फॉर्मिंग इज देयर. नाउ जिहड़ा एंटीरियर बेटा वेंट्रल अरोटा है सो उस दे विच की है दे सेंड देयर ब्रांचिज टू द फैरिंग्स एंड वी नेम दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वैसल. इट रन थ्रू द ट्रांसवर्स बार ऑफ द ब्रेंकियल सैक. दीज वैसल्स आर कनेक्टेड विद लोंगिट्यूडनल ब्रेंकियल वैसल्स रनिंग इन द लोंगिट्यूडनल बार ऑफ द ब्रेंकियल सैक. दैट मीन्स आ देखो ये जी जा रही है बेटी ये ऑरेंज लेवल जोड़ा है वो गलत हो गया सीगा. सो उपर जा रही है तो इन्हें इतने जाके अगेन ये बार्स ने उदे नाल अटैच हो जाना है. द इंटीरियर लिम बिकम नैरो जिमें जिमें उपर जा रही है वो पतली होंगी जाती है तो एट द साइफन रीजन के उत्ते जाके सो दैट इज जिथे पैरी ब्रेंक फरेंजियल बैंड है उदे विच रन करती है वी नेम एज अ पैरी फरेंजियल वैसल एंड अपर साइड ते दैन इट मूव्स एंड गिव राइज टू अ साइफन वैसल एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ सब टेंटिकुलर रीजन और टेंटिकुलर वैसल्स. सो दैट इज द फेरेंजियल वैसल जी है स्टैंड ब्रांचिज टू द मेंटल सब टेंटिकुलर वैसल्स की है जिसनों पर कहकर ट्रांसवर्स टेंटिकुलर वैसल इन टू ईच ब्रेंकियल टेंटिकल्स एंड नीयर अबाउट दिस इज अ साइफन वैसल जो देर ए साइफन वैसल जी ने किनिया ने देर अबाउट 7 to 8 साइफनल वैसल्स है वैसल्स इन टू द ब्रेंकियल साइफन. सो एट वी कैन से पोस्टीरियर लिंब ऑफ द वेंट्रल अरोटा फाइनली प्रोसीड टू द देखो लोअर साइड तो जा रहा इन टू अ इतने देखो इंटस्टाइन होंगी है. ठीक है सो एट दैट रीजन इट इज दिस मूव वी नेम एज द डोरसल इंटस्टाइन वैसल एंड या एट द वी कैन से एरिया एट द जंक्शन विद हर्ट एंड वेंट्रल रोटा स्टाउट वेंट्रल टेस्ट वैसल आप ऑलरेडी कर चुके हैं एंड देयर इज़ अ एंडोस्टाइल के नाल नाल इन्हें रन करना है. सो इन्ना हिस्सा जिहड़ा आपां हुणे स्टडी कीता दैट इज कॉल्ड एज अ पार्ट्स ऑफ द वेंट्रल अरोटा. क्लीयर. Now we move towards the upper side that is heart the S region तो जी आप दिखा रहे हैं आ डॉटेड ब्लू लाइन जी है ये मैं तो डिफरेंशिएट की हुई है
क्योंकि हुणे आपां डिस्कस करदे हैं कि देयर इज टू कलर्स, वन इज स्काई ब्लू एंड अनदर इज नेवी ब्लू, जिहड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपां जिहड़ी है इसनों स्टार्टिंग करनी है कि इंटीरियर साइड के उत्ते डॉर्सल साइड तो जिहड़ी है थिक एज लाइक दैट ऑफ वेंट्रल अरोटा वैसल निकलती, इसनों असीं डॉर्सल अरोटा कहने हैं दिस, एंड डॉर्सल अरोटा जिहड़ा है नाल दी नाल ए ब्रैंकियल सैक जस्ट अबव द डॉर्सल लैमिना, इट रिसीव द उपरले साइड में नाल दी नाल ही है, इट रिसीव द ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वैसल फ्रॉम द ब्रैंकियल सैक, ठीक है, सो दिस इज डॉर्सल रोटा, ठीक है, एंड एंटीरियरली इट सेंड ब्रांचिज टू द न्यूरल वैसल, ठीक है, पर न्यूरल ग्लैंड पड़ी है, सो न्यूरल वैसल्स देर आई न्यूरल टू अ न्यूरल कंपलैक्स एंड दैन बिकम नैरो हौली हौली, ठीक है, एंड दैट इज अ पेरीफ्रेंजियल एंड सब टेंटिकुलर वैसल लाइक सिमिलरली लाइक दिस फॉर्मिंग ओवर देयर। जिहड़ी पोस्टीरियर साइड है आपां इत्थों ए डॉर्सल रोटा की पोस्टीरियर साइड आह जिहड़ी है, ठीक है, जिथों कि अराइज होना सी, सो पोस्टीरियर साइड जिहड़ी है डॉर्सल रोटा इट गिव राइज टू अ ब्रांच, इस ब्रांच नूं असीं की कह रहे हैं वी नेम एज अ ब्रैंकियो विसरल वैसल, सो जिहड़ी कि आपां थर्ड वैसल का नाम लिया सी दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियो विसरल वैसल। बेटा ब्रैंकियो विसरल वैसल जिहड़ी है इट इज अ शॉर्ट वैसल, ठीक है, दिख रहा तुहानू सबनू, सो लाइक दैट, सो एंड दिस बट द सेम डायमीटर एज अ डॉर्सल अरोटा, इट एंड वी कैन से फ्रॉम दोज ऑफ द पोस्टीरियर एंड स्टार्ट होंगे नाले नाल दी नाले की रहिंदी है, इट गिव राइज टू अ टू ब्रांचिज, देखो पहली एक साइड नूं इधर मूव करे एक इधर, सो राइट ऑसोफेजियल वैसल, ठीक है, सो दैट इज गिव राइज टू दिस राइट ऑसोफेजियल वैसल, इट कैरीज ब्लड टू द राइट लोब ऑफ लिवर राइट लिप ऑफ द ऑसोफेजियल एरिया एंड ऑसोफेगस एंड देन इट गिव राइज टू अ ब्रांच दिस स्टाउट जिहड़ी दूसरी है दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रो इंटस्टाइनल वैसल, सो वेंट्रो इंटस्टाइनल वैसल दैट रन अलोंग द वेंट्रल वॉल ऑफ द इंटस्टाइन एंड सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट limb of esophageal area, left lobe of liver and stomach. Now we comes to the last vessel that is called as this brown color cardioviscral vessel. It is a again like that of the ventral rota ki hai kafi extend hui hui hai. The cardioviscral vessel originate from the dorsal end of the heart. Theek hai na? Dorsal end to kaun originate ho raha hai? That is a कार्डियोविसरल वैसल, आपां सिर्फ ईजी टू अंडरस्टैंड करन वास्ते ही जिहड़ी है इन्हां नूं नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो ए फ्लो जिहड़ा है तुहानूं जदों आपां हुणे फ्लो चार्ट करांगे उदों समझ आएगा, ताकि जे आपां इक्को जे डिस्कस करदे तां तुहाडे वास्ते कंप्लीकेटड हो जाणा सी, सो एस वैसल्स दा कार्डियोविसरल वैसल इट इज़ डॉर्सल एंड तों शुरू होई, इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट सून गिव ऑफ टू स्मॉल ब्रांचिज लाइक दिस, वन ब्रांच इज नेम एज अ राइट हपैटिक वैसल, ठीक है, दैट एंटर इन टू द राइट लोब ऑफ लीवर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज देखो दो ने ऑसोफेजियल टेस्ट वैसल, सप्लाई द ऑसोफेगस एंड टेस्ट बाय द ऑसोफेजियल एंड टेस्ट वैसल, देन कार्डियोविसरल वैसल दैट इज अगेन आप जी जो ध्यान करिए सो लाइक दिस, सो कार्डियोविसरल वैसल जी है दैट इज अगेन हूँ इतों देखो किस तरह कर्व्ड टू अ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इन टू थ्री वैसल्स, देखो हाँ इतों निकली दो देती है फिर तीन वैसल्स दे रही, एक इधर दे रही है एक इस साइड न दे रही है एक उपरली साइड, हूँ इन बारे आप गल करनी है, सो मीडियन डॉर्सल नेम एज मीडियन डॉर्सल left gonadal and gastrointestinal test vessel, ठीक है, now appa jehdi edda median dorsal vessel run through the mantle to the base of the atrial siphon, dekho ha upar ja rahi hai jehdi to the atrial side utte ja rahi hai and give branches to the right gonadal vessel, ठीक है,
ऊपर जाके इन्हें मीडियन वेसल ने दैट इज गिव राइज टू सिग्नल सब टेंटिकुलर वेसल्स दैन दोज ऑफ द सिंपली कॉल्ड एज अ टेंटिकुलर जड़े है साइफनल वेसल्स सो दैट इज देयर सेम उसे देखना सेम से 6 to 8 साइफनल वेसल्स आर देयर ठीक है नाउ द डॉर्सल इंटेस्टाइनल वैसल जड़ी है ठीक है सेकेंड जड़ी कैटागरी आप कर रहे हैं दैट दिस जिमें ही वह निकलती है लाइक दिस एंड इट इज डिविजिबल अगेन इन टू अ टू पार्ट वन इज कॉल्ड एज देखो थले दिस वी नेम एज अ डॉट डॉर्सल इंटेस्टाइन वैसल जी कि लूप के नाल नाल अंदर रन करेगी एंड यही एक दूसरी ब्रांच अपनी दिखती है जिसमें अं कहने डॉर्सल टेस्ट वैसल है एंड थर्ड जी रह गई दैट इज कॉल्ड एज अ लैफ्ट गोनाडल वैसल सो यारिया जैसल्स ने बेटा कोलैक्टिवली असी इन्हों स्ट्रक्चर जो स्टडी किया चारों वैसल्स ने कंप्लीटली जोड़े है स्ट्रक्चराइजेशन के अकॉर्डिंगली हार्डमीनिया की सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करती हैं हुण क्वेश्चन ये राइज होंदा कि जोड़ा हार्डमीनिया है सो उहदे विच सर्कुलेशन किवें है हुण सर्कुलेशन जिहड़ी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं पहला भी तुहानूं समरीज के अकॉर्डिंग किया सी वैन द हार्ट कंट्रैक्ट फ्रॉम द लाइक दिस ए फ्लो है इतों देखो डॉटेड तो वैन द हार्ट कंट्रैक्ट फ्रॉम द वेंट्रल टू अ डॉर्सल एंड ठीक है ना वेंट्रल टू डॉर्सल एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड ब्रॉड बाय द वेंट्रल रोटा फ्रॉम द ब्रैंकियल सैक एंड द टेस्ट इज सप्लाई टू द विसरा बाय वे ऑफ कार्डियो विसरल वैसल ठीक है ना क्योंकि उधरों वेंट्रल साइड तो जोड़ा लैके आया उन्हें उधर मूव कर जाना वेंट्रल टू डॉर्सल है सो कंट्रैक्शन जी उधर जा रही है पीयर शेप ऑर्गन किधर होगा डॉर्सल टू वेंट्रल तो वह की है कि जो कार्डियो विसरल वैसल चो की है ब्लड जोड़ा है वो सर्कुलेट करेगा द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द विसरा इज कलैक्टेड बाय द ब्रेंकियो विसरल वैसल विच सेंड इन टू द डॉर्सल रोटा एंड डॉर्सल रोटा डिस्ट्रीब्यूट दिस ब्लड टू द ब्रेंकियल सैक फॉर द ऑक्सीजनेशन ठीक है सो द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज दैन carried to the heart by the ventral rota thus completing the circuit theek hai na so like this and when the heart contract from dorsal to ventral heart ne dorsal to ventral contract karna dorsal to ventral theek hai so then there will be what happen jadi hai the deoxygenated blood from the cardiovascular vessel from the viscera sent via ventral rota for bronchial sac for oxygenation एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द ब्रेंकियल सैक सो आप ध्यान देखो जो आप इसे तो गल कर रहे हैं कि हर्ट जोड़ा है किस तरीके मूव कर रहा है सो पहला आप कह रहे कि हर्ट जोड़ा है वेंट्रल टू डॉर्सल किया दैन दिस कार्डियोविसरल वैसल्स ने जोड़ा है ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो गया गोनाड जेस्टूट्रैक फिर ब्रेंकियल वैसल्स तो आया तो ब्रेंकियल वैसल्स ने की है ऑक्सीनेटेड किया एंड डॉर्सल रोटा देता एंड डॉर्सल रोटा जोड़ा है they will take transfer bronchial and then bronchial sac test vessel then transfer bronchial and to the ventral rota now ventral rota similarly ethon vi apa dekh sakde hain ki like this to a same region is there and then ventral rota to ki hai phir jehdi oxygenated blood jada heart ch aayega so is tarike naal jada hai reverse action bhi hai jadon reverse ghumna then the blood is move like this from the heart to a ventral rota to transverse vessel ब्रेंकियल टेस्ट ट्रांसवर्स ठीक है दैन टू द ब्रेंकियल मेन वैसल ठीक है ब्रेंकियल वैसल डाइजेस्टिव रीजन टू द कार्डियोवैस्कुलर सो दैट इज द मेन फ्लो ऑफ द ब्लड सो इन अदर वर्ड्स द हार्ट फंक्शन एज सिस्टेमिक हार्ट एट वन टाइम एंड ब्रेंकियल हार्ट एट द अनदर टाइम मीनस एक बार सिस्टम सप्लाई करता दूसरी बार है कि हार्ट न मतलब लंग्स कह सकते हैं ब्रेंकियल रीजन सप्लाई करता है सो उहदे नाल ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिहड़ा है वो मूवमेंट होंदी रहिंदी है एंड दिस इज़ अ यूनीक फिनोमिना इन द एनिमल किंगडम सो ये है सर्कुलेशन ऑफ द हार्डमीनिया ब्लड सर्कुलेशन सो इहदे विच जे बेटा ना समझ आया तो मैनू ना दे नाल ही पूछ लेना है ठीक है सो नाउ आपां जिहड़ी है लास्ट टॉपिक ते आने दैट इज़ ब्लड
हडमीनिया का ब्लड जड़ा बेटा है इज अ स्लाइटली रेडिश आलमोस्टली ट्रांसपेरेंट फ्लूड और लिटल हाइपरटोनिक टू द सी वॉटर। ये अठ तरह के कैप्सूल्स होंगे ने, वन इज ऑरेंज सैल, ठीक है, सो लाइक वन इज ऑरेंज सैल, लार्ज नियरली स्फेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड ऑरेंज कैप्सूल्स विद ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म, दैन सिंगलेट, सिंगलेट दे विच की है कि दे हैव लार्ज सिंगल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल है, स्फेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड अगेन एंड कलरलैस। दैन इज कॉल्ड ग्रीन सैल हैविंग अ सेम येलोश ग्रीन इन कलर विद अ फ्यू वैक्यूल्स आर देयर। सो आई कैन नॉट, आप जो इस थोड़ा जहा होर इंट्रस्टिंग बनाना हो आप ये भी कह सकते हैं कि वी मेक दैम येलोश ग्रीन इन नेचर सो दैट यू कैन बी ईजली जो है अंडरस्टैंड लाइक दैट, ठीक है, सो दैट इज़ अ येलोइश ग्रीन इन नेचर, ठीक है। दैन उसके बाद लार्ज कंपार्टमेंट सैल, वेरी लार्ज न्यूली नियरली स्फेरिकल्स नॉन न्यूक्लिएटेड एंड दिस इज अगेन लाइट येलो इन कलर, ठीक है, सो दिस इज देयर लाइट येलो इन कलर एंड दिस अगेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। इन्ना ज़्यादा वैक्यूल्स बन गया कि सानू पता ही नहीं लग रहा कि सैल कितने, सो दे हैविंग लार्ज वैक्यूल्स आर देयर। दैन इसाइनोफिल्स, स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन कलर कैप्सूल विद एक्सट्रिंसिक न्यूक्लियस एंड ग्रैन्यूल्स। दैन कम्स टू द लिम्फोसाइट्स, वेरी स्मॉल लाइट ब्राउन टू अ ब्लूइश इन नेचर, आप इस लाइट ब्राउन कह सकते हैं, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने वास्ते उस थोड़ा जहा कलर चेंज किया है। एंड दैन लास्ट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज, दिस मैक्रोफेज इज अमीबॉयड कलरलैस कैप्सूल होंगे विद सेंट्रल न्यूक्लियस, पर मैं ब्लू कलर ताई किया सो दैट के वी कैन ईजली डिफरेंशिएट, हैविंग अ लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। एंड एक सैल हो रहा है जिसन मैं इतने दिखाया नहीं, दैट इज कॉल्ड निम्फोसाइट विद एक्सक्रीटरी रोल, इट हेल्प दैट लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू एंड गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल। नाउ बेटा एक यूनिक प्रॉपर्टी जड़ी है दिस सिस्टम के अंदर, दैट इज ट्यूनिकेट द ब्लड, जो रिमार्केबली प्रॉपर्टी है कि एक्सट्रैक्ट रेयर एलीमेंट कॉल्ड वनीडियम फ्रॉम द सी। सो कई वनीडियम जी प्लाज्मा च एंड कई वैसीकल स्पैशल वैसीकल ग्रीन कलरलैस कॉल्ड एज अ वनीडोसाइट सैल होंगे जो सक्रीट हो जाती है, बट दिस वनीडियम के दे हैविंग अ कंसनट्रेटिड सल्फ्यूरिक एसिड भी ना होंगे। हडमीनिया हैज़ लॉस द पावर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वनीडियम, ये हडमीनिया च नहीं है पावर ऑफ एक्सट्रैक्शन की, बट रोल की है ट्यूनिकेट्स के अंदर इस वनीडियम का, इट इज़ अ गुड पावर ऑफ रिडक्शन पावर इन यूज इन पॉलीमराइजेशन फॉर ट्यूनिक फिलामेंट, हैंस ट्यूनिक सिंथिसिस होती है। टॉक्सिसिटी ऑफ द वनीडियम एंड वी कैन से सल्फ्यूरिक एसिड अनपैलेटेबल एंड मे बी यूज एज एंटीबायोटिक्स टू डिस्कार्ड प्रेडेशन ऑन ट्यूनिकेट एंड फाउलिंग ऑफ ट्यूनिकेट बाय ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑन इट। बेटा कुछ सर्टन एसिडियन के अंदर इस तो इलावा आयरन एंड सम विडियम या टेंटेलियम वर्गे एलीमेंट्स भी एक्सट्रैक्टेड किए गए हैं। ऑल्दो द ब्लड इज पिगमेंटेड, द पिगमेंट जड़े ने दे आर नॉट प्ले एनी रोल इन रेस्पीरेशन, जिवें आप करते हैं कि हीमोग्लोबिन अपने को है पिगमेंट है हेमिन जड़ा है, सो अपने क्या दैट इज ऑक्सीजन लैके जाता है, बट योजा कोई भी इन्हें पिगमेंट होने के बावजूद भी कोई दे आर नो रोल इन टेकिंग द ऑक्सीजन, दैट मीन नो रोल इज प्ले बाय दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन टू द रेस्पिरेशन। ग्रैसिज आर ट्रांसपोर्टेड इन फिजिकल सोल्यूशन इन द प्लाज्मा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हडमीनिया। सो आई थिंक होपफुली अंडरस्टैंड करोगे, सो like that, goodbye.